अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज असल में आपके भाई का एक जगह इंटरव्यू है, मुझे जाना है वहाँ पे। वहाँ मेरे को जल्दी इसलिए हो रही है कि वहाँ मुझे पहुँचना था 10 बजे। तो 10 बजे पहुँचने के लिए जाहिर सी बात है कम से कम 9:15 बजे निकलना था, तो आधे घंटा 35 से 40 मिनट का रास्ता होगा। इसके दरमियान 35 से 40 मिनट का रास्ता होगा तो वहाँ पहुँचना है। लेकिन मसला ये है, मेरी बाइक जो है ना, उसका अगले टायर में हवा बहुत ज़्यादा कम है या पंचर होगी। ये है बाइक, और इस बाइक का ना ये अगला टायर ये है, हवा कम है या पंचर है बैठने के बाद सही पता चलेगा। हम निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 9:20 हो रहे हैं। ये है मेरी पटपटी, मैं यहाँ पंचर लगाने आई है। खैर, इंटरव्यू तो वो कज़न को मैंने छोड़ दिया करीब करीब में, यहाँ से रॉन्ग वे जाना पड़ रहा था, तो अब यहाँ पंचर लगेगा। ये है मेरा टायर जिसको पंचर लगेगा, फिर मैं उसके बाद जाऊँगा इंटरव्यू देने, क्योंकि मुझे वापसी में आके एक और जगह भी जाना है हॉस्पिटल की तरफ, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। तो इसलिए मैं ये पंचर लगा के और यहाँ से फिर जाऊँगा इंटरव्यू देने। ये चेक हो रहा है, इसमें मेरे ख्याल से पंचर कोई लीक होगा, अगर होगा तो खैर पंचर तो कोई एक लीक है ही। फौजिया FCT की बिल्डिंग है सामने, यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा रहा था इस जगह पे, तो मुझे बोल रहा है 20 रुपये दो। मैंने बोला 20 नहीं 50 ले लो, मुझे गवर्नमेंट की पर्ची दे दो तो मैं आपको 20 रुपये दे दूँ। नहीं मान रहा था, वो सामने खड़ा हुआ है पठान, ये तो ये सारे आराम खोर है, ये खुद भी आराम खाएगा, घर पर भी खिलाएगा बच्चों को टिका के। तो मैंने ये बोला मैं आपको 20 नहीं 50 नहीं 1000 देता हूँ। तो है भी फटान, जैसे मैं फटान हूँ ये भी है। तो बोल रहा नहीं मैंने ये ठेके पे लिया, ठेके पे लिया है तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको गवर्नमेंट रसीद दे दे, टोटली हराम। तो मैं इससे अच्छा ये किया, मैंने फिर क्या सोचा, यहीं से बाइक ले जाके, मेरी इससे पीछे वाली बिल्डिंग है, मैं यहाँ पीछे से जाऊँगा और उधर बिल्डिंग पर लगा के उससे पूछता हूँ वो कैसे रसीद लेता है। तो बबलू भाई काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, क्या ऐसी बात है कि चेहरा उदास उदास है? आज का बिजी दिन रहा है क्या यार? ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया सेठ? बस यार क्या बताए, हम सुबह चले गए इंटरव्यू के लिए जाना था, हमने सुबह बाइक निकाली, बाइक ही पंचर। ओहो, फिर हमने हवा भरवाई, हमारे साथ हमारा ये छोटा कजन था मास, अब इनकी हरकत देखो आप, हम हवा भरवा रहे सुबह सुबह का टाइम है, ये उसको 100 का नोट दे रहा है यार। यकीन मानो वो 100 का नोट मैंने लिया, मैंने बोला भाई मुझे जेब में रख ले मैं 10 का नोट दे देता हूँ। फिर वो पंचर था, हमने बोला किसी तरीके से पहुंच जाए, लेट हो जाएंगे। आगे गए पंप पे पेट्रोल डलवाया, मैंने बोला थोड़ी सी हवा और डाल दे भाई, दो चिटकी ताकि चले जाए। अच्छा वहाँ हवा डलवा के फिर 100 का नोट दे रहा है, वो बोला भाई खुले 10 रुपये दे दो, मैंने बोला रहने भाई ये 5 का सिक्का है ये ले ले। फिर वहां से पहुंच गए, वहाँ पार्किंग में मेरा जो है थोड़ी मुँह मारी हो गई, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। फिर इंटरव्यू का क्या हुआ? इंटरव्यू का ये हुआ यार, इंटरव्यू देने तो गए, जैसे हमें इतला मिली थी कि हमने CV बनाई थी, हमारा तो मैट्रिक था, हमने बताया, बोले मैट्रिक नहीं हमें तो, उसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो यार, उसको क्या है वो, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वो उनको जो ज़रूरत है जिस चीज़ की ना, इंटर की, वो उसके लिए कंपनी के लिए ज़रूरी है, यानी कि उसको लाजिम करार दिया इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं इंटर, अरे इंटर तो बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं यार, वो जो जरूरत होती है उनकी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रिक्वायर्ड उनको रिक्वायर्ड है, मैंने बोला मैम हमारे को ये याद नहीं है हमने किस जमाने में दिया था, उसको टेंशन होने लगी, अगर ये जमाने की बात कर रहा है तो उसने छूटते ही बोला आपकी एज क्या है, मैंने बोला ज्यादा नहीं है बस 35, इससे ज्यादा नहीं होगी। बस उसने कुछ किया भी या गड़बड़ की, बोले आप सर घर जा सकते हैं, बस जब भी चेहरा उतरा हुआ है। हाँ तो जाहिर सी बात यार, आप इंटरव्यू देने जाओ और आपको वहीं पे पता चल जाएगा आपकी सिलेक्शन ही नहीं हुई, तो चेहरा नहीं उतरेगा तो और क्या उतरेगा मेरे भाई, तो चेहरा उतर गया हमारा। अब उसके अब ये है कि इसके बाद फिर दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, सबों से अपील है,
तो सबों से सब दोस्तों को, मेरे देखने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को, वीडियो शेयर करने वालों को, कमेंट्स करने वालों को, लाइक करने वालों को, कि मेरे लिए दुआ करें, दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, वहाँ जॉब मिल जाए। अब इंशाल्लाह ताला हम आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, उससे पहले मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा, फिर मुलाकात होगी। टो भे कंटिन्यू, बाय बाय, टाटा।